भारतीय रेलवे लंबी दूरी की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए नई ट्रेनें संचालित कर रहा है और इसी क्रम में कुमाऊं में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लालकुआ से बांद्रा टर्मिनल तक साप्ताहिक सुपरफास्ट ट्रेन का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लालकुआ से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और नैनीताल लोकसभा सांसद अजय भट्ट और लालकुआ विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट रेलवे इज्जत नगर मंडल की डीआरएम रेखा यादव मौजूद रहे। इससे पहले रेलवे अधिकारियों ने विधायक और सांसद को पौधा और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम को लालकुआ विधायक और नैनीताल सांसद ने भी संबोधित किया। लालकुआ से मुन्ना अंसारी की रिपोर्ट। मई के लिए शुरुआत हुई है, एक हमारी रामनगर से चलती है बृहस्पतिवार को, शुक्रवार को हमारी दूसरी ट्रेन काठगोदाम से हल्द्वानी से और तीसरी ट्रेन आज सोमवार को चलेगी, यानी कि बृहस्पति शुक्र और शनिवार नहीं बृहस्पति शुक्र और सोमवार तीन दिन लगातार लोग जा सकते हैं आवत जावत, इसी तरह से वहां से आएंगे तीन दिन, तो यानी कि हफ्ते भर आवत जावत बनी रहेगी। जैसे तीन दिन आज गई फिर ये यहाँ लौटेंगी, वहां से भी आएंगी ना, तो पूरा हफ्ता पूरा होगा, किसी को कोई तकलीफ नहीं। जो मांग थी ये पूरी हो गई। मैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी को और अपने जो रेल मंत्री हैं श्रीमान अश्विनी वैष्णव जी और अपने मुख्यमंत्री जी को बधाई दे, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि इस क्षेत्र की व्यापारिक गतिविधियों को बहुत बड़ा बढ़ावा मिलने वाला है। हमारे तमाम व्यापारी वर्ग के लोग जो यहाँ से, क्योंकि मुंबई जो है हमारे देश की आर्थिक राजधानी है, तो वहां पर बड़ी संख्या में लोग कारोबार के सिलसिले में जाते हैं हमारे क्षेत्र में, चूंकि ये अपना पूरा कुमाऊं से का प्रवेश द्वार है, बड़ी संख्या में विद्यार्थी से लेकर और हमारे जो नौकरी पेशा लोग हैं वो लोग आवागमन करते हैं, उन सबको सुविधा होगी। और माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप जल्दी ही यहाँ पर जो है वंदे भारत ट्रेन का भी संचालन होने जा रहा है। और ये लालकुआ जैसा मैंने कहा कुमाऊं का प्रवेश द्वार है और यहाँ पर एक्सपेंशन की विस्तार की सबसे ज्यादा गुंजाइश है। ट्रेन आज उन लोगों ने यहाँ से शुरू की मुंबई के लिए, इसका रूट अलग है। जैसा आप जानते होंगे कि यहाँ से मुंबई के लिए दो और ट्रेनें भी चल रही थी, बट ये एक अलग रूट लेके जा रही है, ये दिल्ली के साथ कनेक्टिविटी बढ़ा रही है और इसका जो समय है वो बहुत ही बढ़िया है। 25 घंटे में ये आपको मुंबई पहुंचा दे रही है और यहाँ से सुबह चल के ये दिल्ली आपको 1:30 बजे के लगभग पहुंचा दे रही है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो सुबह की गाड़ियों में दिल्ली की कनेक्टिविटी भी इससे बढ़ रही है और जैसा आपने देखा है बड़ौदा कोटा ये वाला रूट ये लेके जा रही है, तो जो दूसरे वाली थी वो मथुरा से आगे पकड़ रहे थे हम लोग कोटा के लिए, तो ये दिल्ली वाला इसमें एक्स्ट्रा आ जा रहा है।